हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस फ्रॉम 11th टू 20th। तो आज हम 11 से लेकर 20 तक सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्लेस क्या होता है? स्थान, यानी कि स्थान से संबंधित जितने भी प्रेपोजिशंस है आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा यानी कि 11th, बिहाइंड। बिहाइंड होता है बैक ऑफ समबड़ी, यानी किसी के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे या किसी वस्तु के पीछे, तो उसको हम बोलते हैं बिहाइंड। अगर देखिए इसका एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है और इसके बैक, इसके पीछे कोई चीज़ रखी है जो हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसके बैक में, इसके पीछे क्या है? कोई चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देती और किसी चीज़ के वो पीछे है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिहाइंड का। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा द बेबी हिड बिहाइंड हर मदर, कि जो बेबी है वो कहाँ पर छुपा हुआ है? पीछे। बिहाइंड होता है पीछे, किसके पीछे? अपने मदर के पीछे। तो हिड आ चुका है यानी कि छुपा है, तो आप यहाँ पर इसके ऑप्शन को देखकर ही लगा सकते हैं कि बिहाइंड यहाँ पर होगा कि जो बेबी है अपने मदर के पीछे छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा है अलोंग मीन्स क्या होता है? इन द सेम डायरेक्शन, जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चलता है। मान लीजिए ये सड़क है, तो ये सड़क है और इसके साथ साथ कोई व्यक्ति चल रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में सड़क है उसी तरफ वो चल रहा है और साथ साथ चल रहा है, समानांतर चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलोंग का। अब देखिए इसका एग्जांपल, द गर्ल इज वॉकिंग, कि जो लड़की है वो चल रही है कहाँ पर? अलोंग द रोड, कि कोई लड़की है जो रोड के साथ साथ चल रही है। तो क्या होता है जब हम चलते हैं? तो देखिए रोड के बीच में तो हम चलते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? हमेशा उसके साथ साथ चलते हैं, यानी कि रोड के बिल्कुल समानांतर चलते हैं, उसके सीध में चलते हैं। जब हम एक ही सीध में चलते हैं, किसी चीज़ के समानांतर चलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अलोंग का। उसके बाद है 13th, अक्रॉस। अक्रॉस क्या होता है, या अक्रॉस आप इसको बोल सकते हैं, तो इसका मीनिंग होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑफ समथिंग। तो देखिए जो ये 5 है, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। अब देखिए अक्रॉस मीन्स क्या होगा? फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑफ समथिंग, तो जब हम किसी एक साइड से उसकी दूसरी साइड में आते हैं, तो मान लीजिए ये कोई रोड है, तो देखिए इसका एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये कोई रोड है, अब ये रोड है जो जब हम इस रोड को क्रॉस करके, मान लीजिए हम यहाँ पर है, जब हम इसको क्रॉस करके कहाँ आते हैं? इस साइड आते हैं। मान लीजिए ये कोई रिवर है, रिवर को एक बोट यहाँ से चली और इसने क्रॉस किया और वो इस साइड आई। कोई व्यक्ति है जो इस रिवर में तैरते हुए इस साइड से चलता है और इस साइड पर आकर निकल जाता है रिवर से, तो यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं अक्रॉस का। अक्रॉस मीनिंग होता है हिंदी में पार करना किसी चीज़ को, यानी कि एक साइड से दूसरी जगह पर जाना, दूसरी साइड में जाना, तो ऐसे हम यूज करते हैं अक्रॉस का। जब भी आपको एग्जाम में एग्जाम्पल मिले सड़क पार करने का या फिर रिवर का, रिवर को पार करने का तैर कर, तो आप इसका यूज करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा यही ऑप्शन देखने को मिलता है। रिवर की बात होती है या फिर सड़क की बात होती है या फिर ट्रीज की, किसी जंगल में ट्रीज की बात होती है, ये तीन ही चीज़ें हमें देखने को मिलती है एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अक्रॉस का भी आपको मैं बता देती हूँ। अक्रॉस का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मान लीजिए मैं कहती हूँ द बॉय स्वैम क्या होती है? जो स्विम होता है उसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्वैम। द बॉय स्वैम अक्रॉस द रिवर, कि जो लड़का है वो तैर कर कहाँ गया? नदी के दूसरी तरफ गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं द बॉय स्वैम। स्विम की सेकंड फॉर्म है स्वैम। अक्रॉस होता है पार करना, द रिवर, लड़के ने तैर कर पार किया किसको? रिवर को। तो ये है हमारा अक्रॉस का एग्जांपल। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है थ्रू। अब थ्रू क्या होता है? ये बहुत एग्जाम में आता है। अब देखिए थ्रू मीन्स क्या होता है? फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर। अब आप सोचोगे कि सेम है, तो देखिए अक्रॉस क्या है? वन साइड टू अनदर ऑफ समथिंग,
समथिंग भी यहाँ पर दिया है, यानी कि किसी चीज़ के दूसरी तरफ आना। तो थ्रू भी क्या होता है, जब हम एक साइड से दूसरी तरफ आते हैं, पर यहाँ पर कुछ अलग तरह से होता है। तो देखिए इसका एग्जांपल आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि कैसे हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो थ्रू देखिए, मान लीजिए हमेशा ही क्या होगा, हम किसी चीज़ में यहाँ पर एंट्री करते हैं। थ्रू में क्या होता है, हमेशा हम किसी चीज़ के अंदर घुसते हैं और उसमें घुसकर हम दूसरी तरफ निकलते हैं। मान लीजिए हमने पार्क में एक दरवाजे से एंट्री की और हम कैसे निकले, इसके अंदर से होकर जाना। थ्रू मीन्स क्या होता है, अंदर से होकर जाना। जब हम किसी चीज़ के अंदर से होकर जाते हैं या निकलते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं थ्रू का। तो यहाँ पर पार्क के एक दरवाजे से एंट्री करके हमने पार्क के दूसरी तरफ से हमने क्या किया, बाहर निकले। तो इसके लिए हम थ्रू का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए जो एग्ज़ाम में आता है, वो क्या है, जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति है कोई अपनी कार में है, तो इस कार को उसने क्या किया, इस टनल के अंदर, टनल क्या होती है, गुफा, इस टनल के अंदर इसने इसको क्रॉस किया यानी कि पास किया। तो वो कार को लेकर कहाँ गया, गुफा के अंदर गया, और वो गुफा के बाहर निकला इस साइड से। गुफा को क्या बोलते हैं, टनल। तो देखिए वो टनल के एक साइड से एंट्री करता है अपनी कार के साथ और दूसरी साइड से वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं, यानी जब भी ऐसी चीज़ों का यूज किया जाएगा, जब हम एक तरफ से एंट्री करते हैं और उसमें से घुसकर हम दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। अब आप रिवर की मत यहाँ पर सोचना, क्योंकि रिवर क्या है, रिवर को हमने तैर कर पार किया है। रिवर पूरी तरह से क्या है, ओपन एरिया है, और ये क्या होता है, क्लोज्ड एरिया होता है हमेशा। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ आई होगी, इसका एग्जांपल मैं आपको लिख कर देती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ, अवर ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, कि जो हमारी ट्रेन है उसने पास किया कहाँ, टनल के थ्रू, यानी कि गुफा से निकलकर उसने दूसरी जगह पर वो गया। हमारी ट्रेन कहाँ से निकली, एक साइड से, गुफा के एक साइड से गई और दूसरी साइड से बाहर निकली। तो कहाँ से निकली, वो बीच में से होकर निकली। तो थ्रू का यूज़ होता है किसी के बीच में से होकर निकलना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए 15th, अराउंड। अराउंड मीन्स क्या होता है, सराउंडिंग पोजीशन। जब हम किसी चीज़ के चारों तरफ होते हैं, चारों तरफ बैठे हुए होते हैं, घूमते हुए होते हैं, यानी किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे होते हैं, गोल पोजीशन में हम जब कहीं होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अराउंड, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। तो देखिए इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई टेबल है, तो टेबल या फिर आप कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ टेबल है मान लीजिए, इसके चारों तरफ यहाँ पर चेयर्स रखी हुई है और हम यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर किस कैसी पोजीशन है, तो ये अराउंड द टेबल होंगे, यानी कि जितने भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, चेयर यहाँ पड़ी है, इसके चारों तरफ पड़ी हुई है इस टेबल के, तो ऐसी पोजीशन के लिए हम अराउंड का यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ के चारों तरफ होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए अराउंड का, मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ, द ऑल फैमिली मेम्बर्स इज सीटिंग, कि जो सभी फैमिली मेम्बर्स है वे बैठे हुए हैं कहाँ, अराउंड मीन्स चारों तरफ, किसके, अराउंड द डाइनिंग टेबल, कि डाइनिंग टेबल के चारों तरफ फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अराउंड का। उसके बाद देखिए हमारे पास है अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है, डिसअपियरिंग फ्रॉम साइट। जब साइट क्या होती है, हमारी नज़र, जब नज़र से कोई चीज़ डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर क्या होता है, ओझल होना, आँखों के सामने से गायब हो जाना, यानी कि हमारी आँखों के सामने ही नहीं दिखती जो चीज़, उसके लिए हम यूज करते हैं अवे फ्रॉम का। और सेम सेंस में ही हम यूज करते हैं फार फ्रॉम का। फार फ्रॉम या अवे फ्रॉम सेम ही होता है, जिनका मीनिंग होता है आँखों से ओझल हो जाना, बहुत दूर होना, जो हमें दिखाई ना दे। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ, शी इज अवे फ्रॉम मी, कि वो मुझसे दूर है, एंड इज लिविंग, और कहाँ रह रहा है या रह रही है, कहाँ पर, इन ए
बिग सिटी, इन्हें बिग सिटी, कि वो मेरी आंखों से दूर है, मुझसे दूर है वो, और कहाँ रह रहा है वो, एक बड़ी सिटी में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फार अवे या फिर अवे फ्रॉम का। उसके बाद है अप। अप का मीनिंग होता है टूवर्ड्स ए हायर प्लेस। जब हम क्या करते हैं, किसी हाई प्लेस की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल इसका यहाँ पर लिखती हूँ मैं, मान लीजिए ये कोई माउंटेन है और हम यहाँ से चढ़ते हुए, माउंटेन के एक्सेस चढ़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर पीक पर जाते हुए हम किसका यूज करते हैं, अप का। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका आपके लिए मैं बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई स्टेयर्स है, स्टेयर्स, और ये ऊपर की तरफ जा रही है स्टेयर्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं, अप जा रही है, यानी कि अप स्टेयर जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग अप स्टेयर्स, कि मैं सीढ़ियों के ऊपर जा रहा हूँ, यानी कि ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं सीढ़ियों से। उसके बाद देखिए, अब इसके साथ ही हमारा एक और एग्जाम्पल है डाउन। अप स्टेयर तो आपने देखा, वैसे ही सेम तरह से हम किसका यूज करेंगे, डाउन का। जब हम क्या करते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं डाउन का। आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स, कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ, या फिर मैं माउंटेन से नीचे उतर रहा हूँ। तो ऊपर चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं अप का, यानी कि ऊपर जाने के लिए, हायर पोजीशन पर जाने के लिए हम अप का यूज करते हैं, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम यूज करते हैं डाउन का यूज। अब देखिए, हमारे पास है नियर, जो हमारा लास्ट है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, नॉट फार अवे इन डिस्टेंस। अब नियर क्या होता है, पास। नियर मीन क्या होता है, पास होना कोई चीज़, यानी कि जब कोई चीज़ डिस्टेंस में, दूरी में, हमसे दूर नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी सडनली स्टैंडिंग नियर मी, कि वो अचानक से कहाँ खड़ी थी, सी इज सडनली स्टैंडिंग, या फिर सी इज स्टैंडिंग सडनली नियर मी, कि वो सडनली अचानक से मेरे पास खड़ी थी। तो यहाँ पर नज़दीक होना, पास होना, इसके लिए हम यूज करते हैं नियर का। तो आई होप आपको ये सब प्रेपोजिशंस अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी 11 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगली प्रपोजिशन, जो होगी टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड प्रपोजिशंस। थैंक यू।